हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। इस चैनल पे पहली बार हो या नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। आपके लिए मैं सभी रीडर्स के अपलोड कर रहा हूँ, उसी तरह आप सोशल का एक इंपॉर्टेंट पेपर है, देखिए इसके अंदर से भी याद करना है आपको कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स भी अपलोड करूँगा। पहले क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट, हाउ आर द नोरोकाडम एंड बैरन आइलैंड फॉर्म्ड, एक आपको याद करना है। नेम एनी टू फैक्टर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट वेदर, ये भी याद करना है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है। व्हाई आर द पेनिनसुलर रिवर्स नॉन पेरेनियल्स, स्टेट व्हाई द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज बेटर दैन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। व्हाट आर द डिफरेंस इंडिकेटर विच इज डेवलपमेंट मेजर विच वन, आपको इस ये छः में से सिर्फ थ्री लिखना है, छः के छः याद करेंगे तो कंपलसरी थ्री आसानी से आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, What was the immediate cause of Second World War? Why were the separate electorates for Muslim implemented since 1909? Give one example each for the regional party and the national party. What were the reasons of movement against construction dam on the Narmada River? Write two reasons for the failure of League Nation. Already आज easy समझ जा सकते हो आप वहाँ सर। What are the two essential characters of unitary constitution? ये छः याद करेंगे तो three compulsory आप लिख सकते हो। Three या four model papers पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर से देखिए, four marks equation सही है। Why are the Himalayas importance of India? Prepare the pamphlet of importance organized forming, important है। ऑब्जर्व द मैप, ये मैप देखना है आपको। When the साउथ वेस्टर्न मानसून एंटर राजस्थान, what is meant by the यहाँ पर आपको onset monsoon, ये भी इंपॉर्टेंट है। What is the greenhouse effect? How can you say that India has a federal polity? Write about the state reorganization act 1956. Why did the people Telangana demand the separate state? Create two slogans of preventing wars, ये आपको four marks के मिलेंगे। एट मार्क्स के देखिए, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस द लेबर्स एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। उसके बाद नोवेडेस, रीड द फॉलोइंग, एक पैराग्राफ पढ़ना है। द सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू वाटर यूज मैनेजमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट विद इन कम्युनिटीज इन ए रीजन एंड अक्रॉस सेक्टर सच एज यूज फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ड्रिंकिंग वाटर और कॉमन, ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ के इसको इंटरप्रेट करना है, इसका आंसर मैं अपलोड करूंगा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ग्राफ को आप यहाँ से आपको लिखना है। ये लोकेट इंडिया में करना है, केरला उडगमंडलम, ये ऊटी को कहते हैं, सिवाच करकार कोस्ट, ए रिवर ऑफ ऑर्गेनाइज साइट मानसरोवर। सजेस्ट मेजर फॉर बेटर डेमोक्रेसी इन द एथिकल गवर्नमेंट, रीड द पैरा, ये पढ़ना है आपको, इसको भी इंटरप्रेट करना है आपके ओपिनियन को। एक ग्राफ है, एक ग्राफ को आपको बार ग्राफ को एनालाइज करना है, और उसी तरह ये पुर्तगाल इजिप्ट इंडिया एंड कंट्रीज अनाउंस इन दिल्ली, ये आपको करना है। चलिए, आपको कहीं से ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ये आंसर से देखिए, फर्स्ट सेकेंड आंसर, ये सारे आंसर्स हैं, कहीं से भी आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं। एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। सेवन्थ एट नाइन्थ ट्वेल्थ इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। सोशल स्टडीज से एक बार आप पढ़ लेंगे तो सभी आंसर्स याद रहेंगे। सेकंड सेक्शन के आंसर सही है, ये सेकंड सेक्शन के आंसर्स आप 15, 16, 17, 18 एक बार आप पढ़ लीजिए, आपके जहन में बढ़ जाएंगे, उसके बाद आप अच्छे आसानी से लिख सकते हो एग्जाम में। ये 21, 22, 23 के अंदर 8 पॉइंट्स है, आप अपने नोट्स बना लीजिए इसको देखकर। उसी तरह ये मैप पॉइंटिंग है, देखिए केरला किस तरह किया गया है, पूरा मैप पॉइंटिंग उडगमंडलम ये पूरा यहाँ पर है। उसके बाद ग्रुप बी का ये आंसर है, ये 26 वाला है, यहाँ पर है 27, ये मैप पॉइंटिंग उस तरह, ये मैप पॉइंटिंग है आपका, यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस तरह आपका पेपर लिखा गया है। अब आपको मैं पार्ट बी कराने की कोशिश करूँगा, तो पार्ट बी भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये पार्ट बी है, ये पार्ट बी अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि पार्ट बी भी बहुत ही ईजी रहेगा। और देखिए, वेस्टर्न राजस्थान हैज़ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट, वेस्टर्न राजस्थान में कैसे टाइप का रहता है, एरिड। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्टर ऑफ GDP has reduced gradually since 1972. तो यहाँ पर लिख लेंगे एग्रीकल्चर।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज का मतलब होगा लो ऑफ द मॉडरेट रेनफॉल ओवर द नॉर्थन इंडिया. दिस रिवर हैज ट्विन सोर्सेज, इस रिवर्स के दो सोर्सेज है, कौन से, गंगा. उसी तरह उसके बाद लेंगे द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज फाउंडेड निकोबार आइलैंड्स एंड कॉल्ड, इसको हम कहेंगे इंडिरा पॉइंट. द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पर कैपिटा इनकम ऑफ द नेशन, इसको हम कहेंगे यहाँ पे नेशनल इनकम बाई पॉपुलेशन. द पीरियड ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून इन इंडिया इज नवंबर टू दिसंबर. द डिबांग एंड द लोहित आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, इसका होगा ब्रह्मपुत्र. दिस इज डन बाई द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये होगा या प्रोसीजमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स. इन सीरीज ऑफ रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड ऑर्डर्ड ऑल पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल टू यूज दिस फ्यूल, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. द यूएसए कैंप अप विथ मार्शल प्लान टू फाउंड द इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ जर्मनी एंड जापान. द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट थ्री मेंबर्स मिशन टीम टू दिल्ली 1946 टू एग्जामिन द डिमांड्स टू, यहाँ पर लिखेंगे सजेस्ट ए सुटेबल पॉलिटिक फॉर्म वर्कर फॉर इंडियन फ्रीडम. महात्मा गांधी डिसाइडेड टू लॉन्च दिस थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, तो यहाँ पर आपको क्विट इंडिया मूवमेंट. द कांग्रेस ओन विद रिकॉर्ड मार्जिन इन 1971 ड्यू टू, यहाँ पर लिखेंगे गरीबी हटाओ. अकॉर्डिंग टू द इंडिया एक्ट 1935 द राइट टू वोट वॉज गिवन टू डैश पीपल, यहाँ पे प्रोवेडिकल असेंबलीज, तो इसका आंसर होगा 11% 12% या 12%. मार्टिन लूथर किंग जूनियर गेव हिज फेमस स्पीच फ्रॉम द स्टेप ऑफ, ये होगा लेनिकोल मेमोरियल. द सिग्निफिकेंस ऑफ 1956 फेब्रवरी 20th, तो ये होगा यहाँ पे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट. द तेलंगाना लैंग्वेज वॉज ड्रॉन फ्रॉम, तेलंगाना लैंग्वेज वॉज ड्रॉन फ्रॉम यहाँ पे ऑल ऑफ दिस. कॉलोनेशन गवर्नमेंट, कॉलोनेशन गवर्नमेंट किसको कहते हैं, यहाँ पे लेके कॉन्सिस्ट ऑफ नंबर ऑफ नेशनल रीजनल पार्टीज. उसी तरह लास्ट वाला है, थ्री मूवमेंट आर स्टार्टेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश असम एंड पंजाब फॉर, यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर ऑटोनॉमी. बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया, एक लाइक ज़रूर कर देना.